नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नई वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, बात आती है इन्वेस्टमेंट की और हम आप लोगों को यहाँ पर नई नई वीडियो देते रहते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। परंतु कुछ लोगों को डर रहता है शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का। और आज जो इन्वेस्टमेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ है, 100% सेफ है। क्यों है वो भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और एक हाई रिटर्न आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा वो भी यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को उसी कैलकुलेटर के ऊपर लेके आता हूँ, और ये कैलकुलेटर समझाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कैलकुलेटर देख के आप वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज एक ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप 100% सेफ हैं दोस्तों। यहाँ पर कैलकुलेशन क्यों देता हूँ आप लोगों को, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन ही आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन लेके आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आज अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 15 से 20 साल के बाद आप अपना पैसा कितना बनाने वाले हैं दोस्तों। ये कैलकुलेशन आप लोगों को मोटिवेशन पैदा करती है, और ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको बताती है कि आप अपने पैसे को यहाँ पर डालिए, आपका पैसा यहाँ पर काम पे लगता है। जो हम सिंपल इंटरेस्ट में किसी को पैसा देते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपका पैसा 8 से 10 साल के अंदर डबल होता है। और यहाँ पर जो आपका पैसा डबल होगा, देखिए कितने सालों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक छोटी सी यहाँ पर कैलकुलेशन हम करेंगे, आप यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने यहाँ पर करनी है। कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ पर 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं यहाँ पर 5,000 रुपये लेके चलता हूँ। अगर आप 5,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, 15% का रिटर्न अगर आपको यहाँ पर मिलता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लगभग 20 साल या 25 साल तक यहाँ पर लेके चलते हैं, तो मैं यहाँ पर 25 साल लेके चलता हूँ। 25 साल के बाद आपके पास दोस्तों 1,64,20,369 रुपया होगा, और आप यहाँ पर देखिए कितना पैसा आप लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। आपका पैसा और आपको जो रिटर्न मिलेगा उसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिसमैच हो चुका है, एक बार इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पर 25 साल मैंने डाल दिया दोबारा, आप यहाँ पर अब दोबारा देख सकते हैं 1,64,20,369 रुपये आप लोगों को मिलेंगे। अब यहाँ पर रुकिएगा मत, अब उसके बाद अब देखिए आपका पैसा किस स्पीड से यहाँ पर बढ़ने वाला है। 25 साल में आपको मिलते हैं 1,64,00,000 रुपया। अगर मैं इसको 26 साल करता हूँ तो आपको एक साल के बाद 1,91,00,000 रुपये मिलते हैं। अगर इसी को मैं 27 साल करके चलता हूँ तो आप 2,22,00,000 रुपये पे पहुँच जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं इसको 28 साल करता हूँ तो आप 2,59,00,000 पे पहुँच जाते हैं। अगर मैं इसको 30 साल मान के चलिए करता हूँ तो आप यहाँ पर मैं 30 साल करता हूँ तो आपकी जो रिटर्न मिलेगी वो 3,50,00,000 रुपये की मिलेगी दोस्तों। अभी तो और बाकी है, यहाँ पर मैं 35 साल करता हूँ तो 7,43,00,000 रुपये अभी लास्ट कैलकुलेशन लेके चलते हैं 40 साल के दोस्तों, 15,70,00,000 रुपये आप लोग यहाँ पर कमाने वाले हैं, गारंटेड कमाने वाले हैं, क्योंकि फंड ही ऐसा बताने वाला हूँ आज आप लोगों को। ठीक, ये कैलकुलेशन आप लोगों ने देख लिया। अब 15 करोड़ अगर आपको 40 साल के बाद मिलते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये जो पावर है दोस्तों, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो आप किसी को इंटरेस्ट पे, जो नॉर्मल इंटरेस्ट पे आप पैसा देते हो ना, उससे ज़्यादा बेटर है आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा पैसा बनाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अब बात आती है कि सर पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो करें क्यों, कैसे करें, कहाँ करें,
आप डेली ये कैलकुलेशन दे देते हो और हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है, तो पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल डरते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, बस उनको एक ही माइंड में चलता है कि मैं FD करवा लूँ, RD या PPF। आज एक ऐसे फंड के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे जहाँ पर आपका पैसा 100% सेफ है। दोस्तों लेके चलता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं डालना, आप यहाँ पर आइए निफ्टी 50 के अंदर। दोस्तों अब निफ्टी 50 है क्या दोस्तों, उसको समझिएगा पहले। निफ्टी 50 ये मान के चलिए इंडिया की बैकबोन है दोस्तों। ये निफ्टी 50 का मतलब, जो 50 का मतलब ये है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो इसके अंदर आती है दोस्तों। कहाँ पर आएंगी ये जो टॉप 50 कंपनियाँ, यहाँ पर निफ्टी के अंदर यहाँ पर आती हैं और यहीं पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और आप इसका चार्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये देखिए 1 जनवरी 1999 में इसका जो प्राइस था दोस्तों 890 रुपये था, और आज जो प्राइस है, आज मैं अगर करंट की बात करूँ 12 सेप्टेम्बर को 19,993, 20,000 टच कर चुका है ये मान के चलिएगा आप। यहाँ पर जो रिटर्न की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लगभग 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर मिलता है। 15% वो भी जब आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। उन 50 कंपनियों के अंदर अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वो कंपनियां हैं जो बैकबोन है दोस्तों। अगर इन कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर भी प्रॉब्लम आती है तो जो 51 जो कंपनी है, 51 पे जो कंपनी है वो अंडर 50 के अंदर आ जाएगी और उस कंपनी को बाहर कर देंगे जिसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है। तो इस और वहाँ पर जो उस कंपनी के अंदर जो आपका पैसा था, वो जो 51 नंबर पे कंपनी था उसके अंदर वो पैसा आ जाता है, तो आपका पैसा यहाँ पर सेफ रहता है दोस्तों। अब आप सोचिए, अगर ये जो 50 कंपनियाँ हैं, जो 50 कंपनियाँ हैं, अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी ना दोस्तों, तो फिर दुनिया की मतलब आपका ये जो आप सैलरी लेते हो या जो भी आपके पास पैसा ना, सब गड़बड़ा जाएगा ये सिस्टम। यहाँ पर कभी भी कोई चांस ही नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा। हो सकता है 15% की जगह आपको 14% मिल जाए, हो सकता है आपको 13% मिल जाए, परंतु आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है दोस्तों। जब भी आप पैसा लगाएं, निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा एक ज़बरदस्त हाई रिटर्न और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। तब आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब समझ चुके होंगे कि निफ्टी 50 है क्या दोस्तों। ठीक, अब निफ्टी 50 के कुछ फंड मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड, एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HDFC है, ICIC है, निपोन इंडिया है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, DSP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी, इन फंड के अंदर आप जाइए यहाँ पर और थोड़ी सी इनकी नॉलेज लो और उसके बाद वहाँ पर अपना पैसा लगाओ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सेफ है। दूसरे म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर भी आपका पैसा सेफ है। मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ पर आपका पैसा सेफ नहीं है, परंतु यहाँ पर ज़्यादा सिक्योर इसलिए है क्योंकि टॉप इंडिया की 50 कंपनियाँ दोस्तों। और अगर आज बात की जाए ना, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, पिछले 1-2 साल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी से भी ज़्यादा ग्रोथ में है दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे, पूरी दुनिया के लोग आज इंडिया की मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया कहां से कहां तक जाने वाला है धीरे धीरे। अभी भी आप लोगों के पास एक अच्छा टाइम है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और जो मैंने आज आप लोगों को बताया कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर ज़रूर पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर है। तो ये सबसे बड़ी बात है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। बस एक है, कभी कभी अप डाउन थोड़ा हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अप डाउन नहीं होगा, हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या रेट था, 5,974 2007 की बात है, और यहाँ पर क्या प्राइस था 2008 के अंदर 3,074।
ये थोड़े बहुत अप डाउन कभी कभी आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या प्राइस था, अगर मैं इस प्राइस की बात करूँ तो 2019 के अंदर 12,245 रुपये था, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल इसकी बात करता हूँ मैं डाउन की, यहाँ की बात करता हूँ तो 8,660 रुपये था 27 मार्च 2020 को। 2020 से 20,000 आने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 3 साल लगे हैं, केवल 3 साल। तो ये पावर है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की दोस्तों। तो यहाँ पर आप पैसे लगा के आराम से सोइए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा डेली बढ़ता रहेगा। बस आपको 15 साल 20 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया है तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंस है तो आप यहाँ से एक बड़ी रकम बना के जा सकते हैं। अब बात आती है, आप चाहे 20 साल के हों, आप 35 साल के हों, 15 साल के हों, मैं तो ये बोलता हूँ कि आजकल जितना जल्दी हो सके इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 साल के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इससे बड़ा फंड, इससे बड़ा रिटर्न आप लोग कहीं पर भी नहीं ले सकते। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताना दोस्तों, और अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना स्टार्ट जरूर करिए। मेरा एक मकसद था कि आज आप लोगों को मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टर्म प्लान के बारे में बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस भी क्यों ज़रूरी है, उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने की प्लानिंग की है। आज मेरा थोड़ा मूड था कि आप लोगों को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सेफ़ नहीं है, म्यूचुअल फंड में डर लगता है। तो आज आपका डर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका दोस्तों। डरोगे तो फिर पैसा नहीं बना पाओगे, डरना नहीं है, बिल्कुल दिल खोल के पैसा लगाना निफ्टी 50 के अंदर, आपका पैसा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है दोस्तों। थैंक यू।